हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आप सबका चैनल एंजॉय गार्डनिंग एंड नेचर में ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इस प्लांट का नाम है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स आज इस वीडियो में मैं इस प्लांट की प्रॉपर केयर टिप्स शेयर करूंगी जिससे फॉलो करके आप भी इजीली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैसे तो इस प्लांट की दो वेराइटीज़ होती है उसमें से एक वराइटी वेरिएटेड वाली वाइट एंड ग्रीन का कम्बिनेशन वाला होता है थोड़ा पर्पल मिक्स और इसमें आप देखिए इस तरह से ऊपर ग्रीन एंड ग्रे कलर का होता है बैक साइड पर्पल कलर का होता है इस तरह से इसका लीव्स होता है और जो आ, दोनों लीब्स के बीच में नोडिरिया के बीच में जो गैप होता है वो एक स्ट्रिंग की तरह होता है इस तरह से इतना डिस्टेंस में होता है स्ट्रेटली नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है इसलिए बेस्ट रहता है आप इसे हैंगिंग पॉट में ही ग्रो करें तो, कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ से इससे इस स्पेस मिले कि ये नीचे की ओर जा सके क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है एकदम स्ट्रेटली बढ़ता है और अपने साथ ब्रांचेस भी बढ़ाता चला जाता है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स प्लांट कम रोशनी वाले एरिया में बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता है इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है ब्राइट लाइट एरिया में इस प्लांट को ग्रो करना होता है और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर ऐसा रखेंगे तो आप देखेंगे प्लांट का ये जो टॉप एरिया है इस ये एरिया सूख जाता है और सूखी हुई पार्ट आपको दिखे तो आप फटाफट से प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर प्लांट ब्रांट को ब्राइट लाइट मिले और ऐसे भी सूख जाता है अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक हम अगर पानी नहीं देते हैं प्लांट को तो भी सूखने लगता है तो ये भी ध्यान देते रहिए और कट कर दिया कीजिए जो एरिया सूख जाता है जहाँ से ग्रीन पार्ट है हेल्दी प्लांट है उसको रहने दे जो सूखी वाले एरिया से कट कर दिया करे उसके बाद फिर से ये दोबारा से वापस से ग्रो करता है इस प्लांट को प्रोपोगेट करने का सही तरीका है बल्ब से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं इस प्लांट को हम बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं वाटर में प्रोपोगेट करके या सॉइल में प्रोपोगेट करके ग्रो कर सकते हैं जो भी मैच्योर वाला ब्रांच होता है उसके बीचों जो दो नोड एरिया है उसके बीच में इससे कट ले लेना है उसके बाद हमें ग्रो करना है सॉयल में या वाटर में प्रोपोगेट करने के लिए रख सकते हैं या डिरेक्टली सॉयल में भी ग्रो कर सकते हैं प्रोपोगेशन करने का सही टाइम रहता है पैप से लेकर मई के महीने के बीच इस समय आप इस प्लांट को ईजिली ग्रो कर सकते हैं प्रोपोगेट कर सकते हैं देखिए अब वाटर देने का सही तरीका वाटर देने के लिए भी आपको सॉयल को अच्छे से चेक करके ही देना है समर के सीज़न में आप वीक में एक बार दे दीजिए विंटर के सीज़न में आप इस प्लांट को महीने में एक बार ही दें वो भी सॉइल चेक करने के बाद विंटर के सीज़न में आपको एक बार पूरी तरह से सॉइल को ड्राई होने देना है उसके बाद ही देना है समर के सीजन में लेकिन आपको देना पड़ता है क्योंकि इस समय इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है विंटर में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है लीव्स भी येलो होने का प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा और इस प्लांट में आप स्प्रे भी कर दिया करें जैसे बरसात होती है बाहर तो मिस्टिंग कर दिया करें प्लांट में वाटर का स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स को ग्रो करने के लिए सॉयल मिक्स में हमें लेना है 30% परसेंट गार्डन सॉयल 30 परसेंट वर्मी कंपोस्ट, 20% परसेंट पर लाइट ट्वेंटी परसेंट चारों का मिक्सचर बनाकर हम इजिली प्रोपोगेट भी सेम सॉयल में कर सकते हैं और सेम पॉटिंग मिक्स में हम ग्रो भी कर सकते हैं या फिर सकुलेंट का जो पॉटिंग मिक्स मार्केट में अवेलेबल है आप उसे भी लेकर इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आप देखेंगे इस प्लांट में पर्पल कलर का फूल खिलेगा हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी यहाँ जैसे फूल खिलता है नेक्स्ट डे आप उस फूल को कट कर दिया करें प्लांट में रहने ना दें अगर फूल प्लांट में रहने लगेगा तो धीरे धीरे जो है प्लांट की ग्रोथ तो स्लो हो जाएगी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो फूल को कट कर देना है उसी फूल में आपको अगर आप प्लांट से सीड्स चाहते हैं तो सीड्स भी मिलेगा उस फूल को अगर आप रख देते हैं एक दो फूल को तो वो अच्छी तरह से सीड में बदल जाता है बाद में आप उस सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन हमारे इंडियन एनवायरनमेंट में हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल रिजल्ट तो नहीं मिलता है बट हाँ फिफ्टी परसेंट मिल जाता है आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन सीड पानी के चक्कर में प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाती है अच्छी नहीं होती है प्लांट भी ख़राब होने लगता है आप फूल को कट कर दिया करें नेक्स्ट डे या फिर सीड के लिए आप एक दो रख सकते हैं ज्यादा ना रखें होप okay, की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में और हाँ कैसे स्ट्रिंग ऑफ हार्ट को प्रोपोगेट करना है कौन सा फास्ट तरीका है मैं इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगी तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबा